हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बनाएंगे हरे पत्तेदार कलमी साग। ये खाने में बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट होता है। कलमी साग बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम कलमी साग लिया है। ये इस तरह से कलमी साग में लंबे लंबे पत्ते होते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह चून कर साफ कर लिया है। साग से हम इस तरह साग के कोमल कोमल पत्ते को हम तोड़ के अलग कर लेंगे और बचे हुए डंठल को अलग कर देंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने साग के कोमल कोमल पत्ती को चुन लिया है और अब हम इसे धो लेंगे। धोने के लिए यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और इसमें इस तरह साग को डुबा कर धोएंगे। इस तरह पानी में डुबा कर धोने से साग पर लगे धूल मिट्टी सब अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ मैंने साग को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया है और अब हम इसे इस तरह एक छन्नी वाले टोकरी में डाल करके रख देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। साग को हम 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। ये देखिए, साग से पानी निकल गया है और अब हम इसे चाकू से अच्छी तरह कट कर लेंगे। थोड़े से साग लेकर इसे इस तरह मोड़ लेंगे और हाथ से दबा करके सभी साग को इस तरह बारीक बारीक कट कर लेंगे। अगर साग में थोड़े थोड़े मोटे मोटे कट भी जाए, पकाते समय सभी अच्छी तरह से पक जाएंगे और गल भी जाएंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने साग को अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए साग को भी काट लेंगे। साग को इस तरह कट करके एक प्लेट में रख लेंगे और अब एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, हम इसमें कटा हुआ साग डालेंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। साग में स्वाद अनुसार या आधा चम्मच नमक डालेंगे। साग में आधा कप पानी डालेंगे। पानी डालने से साग तले में जलेगा नहीं। और साग को इस तरह चम्मच से नीचे से ऊपर की तरफ चलाते हुए हम मिला लेंगे, ताकि साग में अच्छी तरह से नमक हमारा मिल जाए और साग हमारा अच्छे से पके। ये देखिए, यहाँ मैंने साग को अच्छी तरह मिला लिया है और अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 10 मिनट हो गया है, साग को हम एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, साग हमारा गल गया है और डबल से आधा हो गया है और साग काफ़ी सारा पानी भी छोड़ दिया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और चलाते हुए साग का एक्स्ट्रा पानी सुखा लेंगे। साग को हाई फ्लेम पे चलाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और इसमें काफ़ी सारा पानी सूख गया है। ये देखिए, साग का पानी अच्छी तरह सूख गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कढ़ाई में से साग को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे या दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने साग को दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और अब हम कढ़ाई को धो लेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, हम इसमें 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप कोई और कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल में चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग से साग में अच्छा फ्लेवर आता है। 10 से 12 बारीक कटा हुआ लहसुन की कलियां डालेंगे। 3 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डालेंगे। 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और अब सभी इंग्रेडिएंट को हाई फ्लेम पे इस तरह चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे या प्याज का लाइट ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे। ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है और इस टाइम पे हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी इस तरह चलाते हुए भून लेंगे। एक सूखी लाल मिर्च तोड़कर डालेंगे।
ये ऑप्शनल है। मिर्च डालकर सभी इंग्रेडिएंट को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे और इस टाइम पे हम इसमें बॉईल किया हुआ साग या पका हुआ साग डालेंगे। साग डालकर सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। साग हमारे हेल्थ के लिए या सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें इसे अपने डाइट में वीक में 3 से 4 बार ज़रूर शामिल करना चाहिए। इस तरीके से साग अपने घर में ज़रूर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। साग को ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए 2 मिनट हो गया है, हम इसे एक बार फिर से चेक कर लेंगे। साग को हम एक बार फिर से चला लेंगे। ये देखिए साग का पानी हमारा अच्छी तरह से सूख गया है और साग भी बनके तैयार हो गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलिए अब हम साग को प्लेट में सर्व कर लेंगे। इस तरह से साग बना के आप इसे रोटी, चावल, चपाती किसी में भी खाएं, ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। ये देखिए दोस्तों कलमी साग बनके तैयार हो गया है। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर बनाएं और आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।